अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज नीट 2024 का एग्जाम था, राइट? और टाइमिंग की अगर हम बात करें वो 2 बजे से लेके 5:20 PM था, राइट? आप सबको ये भी पता है जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे आपको 2 बजे से 5:20 के बीच कहीं भी जाने नहीं दिया जाता। ये भी है कि आपको 5:20 से पहले अलाउ नहीं करते अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, राइट? मतलब आपको अलाउ नहीं करते कि मतलब आप वापस जा सको। लेकिन एक वीडियो जो है जो सोशल मीडिया पे बहुत ही सर्कुलेट हो रही है वो ये है कि किसी ने वीडियो उठा के, वो भी 20 मिनट ऊपर जा रही है, उसने वीडियो बनाई है। मतलब यहाँ पे हमें पता है कि 2 से 5:20 के बीच आपको कहीं भी जाने नहीं दिया जाता, लेकिन उस वीडियो में अगर हम देखें 4:20 एक बच्चे ने पेपर का वीडियो उठा लिया है। तो वहां पे बहुत सारे ऐसा बोल रहे थे कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। साथ ही साथ मुझे भी बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि क्या ये सच में नीट का पेपर लीक हुआ है या नहीं। देखो, NTA ने उसके बाद ही जस्ट एक नोटिस रिलीज करी, यहां पे वो नोटिस है जो ये सेंटर है जहां पे ये सब हुआ है वहां पे एक्चुअली क्या हुआ था कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर हो गई थी। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो फोर्सफुली पेपर लेके बाहर आ गए थे, ठीक है? लेकिन उनका जो पेपर है ना वो कुछ 120 स्टूडेंट्स थे, मतलब जिनको डिस्टर्बेंस हुई है वहां पे, तो उनका जो पेपर है वो आज ही कंडक्ट किया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेपर लीक हुआ है एंड ऑल दैट, ठीक है? अगर कोई से भी फर्दर अपडेट हो NTA की तरफ से आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको बाकी की भी अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, उस पर मैंने वीडियो एक ऑलरेडी बनाई थी, लेकिन मैंने फिर अवॉइड करा वीडियो बनाना आपकी नीट एग्जाम तक, बिकॉज आई थॉट इट बेटर कि नीट एग्जाम के बाद ही वीडियो चढ़ाएं तो बेटर है। तो इंशाल्लाह मेरे एंड से भी जो भी वीडियो पॉसिबल हो वो मैं अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि हम जैसे ही वो वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिकॉज वो चीज ऐसी है कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है। 30% बस रिजर्वेशन है ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए, रेस्ट 70% जो है वो आपकी रिजर्वेशंस है जो बाकी है। तो वहां पे आपकी जो रेस्ट 70% सीट्स है वो उनको दी जाती है, ठीक है? तो इस चीज के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तो यही बस बताना था, एक तो ये पेपर लीक के बारे में, हम इंशाल्लाह जो भी है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है? तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।